सीरिया की जो इकोनॉमी है उसकी फिलहाल बहुत ही बुरी हालात है। 60% से ज्यादा लोग फिलहाल जॉबलेस है। आधी से ज्यादा पॉपुलेशन के पास खाने की बेसिक चीजें भी नहीं है। मोस्टली इनके हॉस्पिटल्स अब फंक्शनल नहीं है। मोस्टली पावर स्टेशन लगभग 70-80% सिविल वॉर के दौरान यहाँ पे तबाह हो गए थे, तो काफी जगहों पर बिजली भी नहीं होती। मेरे गाइड बता रहे हैं कि उनके यहाँ पे काफी दोस्त हुआ करते थे, इनके पास आते रहते थे, और कोई पिस्ता बेचता था, कोई नट्स बेचता था, कोई कॉफी बेचता था। इन दुकानों में जो तबाह हो चुकी है, तो मेरे को ही यहाँ पे आके इतना बुरा और अजीब सा लग रहा है। मैं इमेजिन नहीं कर सकता इन लोगों को कैसा लगता होगा जिनको जो रोज यहाँ आते थे, अपने दोस्तों से मिलते थे, खरीदारी करते थे। इनकी करेंसी बहुत कमजोर हो चुकी है, और मैंने पता करना चाहा कि एक आम जो इंसान होता है यूनिवर्सिटी के बाद या पढ़ाई के बाद वो कितने पैसे कमाता होगा महीने में। तो मैं इसका जवाब जानकर हैरान हो गया, सिर्फ 30-40 US डॉलर एक महीने के, मतलब 2,000-3,000 रुपए एक महीने के। उसमें क्या होता है आजकल, कुछ भी नहीं हो सकता। इनफैक्ट यहाँ से आने से पहले मैंने सड़क किनारे वो एक आदमी छोले बेच रहा था उपले में, उसने मेरे को रोक के वैसे ही टेस्ट कराया, तो हमारी थोड़ी सी बात होगी, वो इंग्लिश अच्छी बोल रहा था, तो मैंने उसकी इंग्लिश की तारीफ करी, तो उसने मुझे बताया कि मैं एक्चुअली एक इंजीनियर हूँ और कुछ कर नहीं सकता, तो अब कोई इलाज नहीं है तो मुझे बेचने पड़ रहे। एलिपो हालांकि बहुत बड़ा है। हेलो, सभी लोग आपको ग्रीट करते हैं और काफी मजा आता है, लोग बहुत अच्छे हैं। एलिपो हालांकि बहुत बड़ा है। सॉरी, शाहरुख खान अल हिंद, आईवा, शुक्रान। ऑलमोस्ट 200 स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है। तरह तरह की एथनिसिटीज, रिलीजन के लोग आपको एलिपो में दिख जाएंगे, मोस्टली अरब, थोड़े कुर्दिश पीपल, थोड़े तुर्कमेन, इसके अलावा अर्मेनियंस, एसीरियन पीपल, इवन सम ग्रीक एंड सम रशियन पीपल। तो अलग अलग इधर की एथनिसिटीज थी, और थोड़ी थोड़ी काफी भाषा बोली जाती थी। हालांकि अरेबिक इज द मोस्ट डोमिनेंट लैंग्वेज हेयर, लगभग 80-90% अरेबिक ही बोलते हैं, पर इसके अलावा आपको कुर्दिश, टर्किश, एसीरियन लैंग्वेज भी सुनने को मिल सकती है यहाँ पे। रिलीजन्स की बात करें तो 80-90% लोग यहाँ पर मुस्लिम थे, जो कि मोस्टली सुन्नी मुस्लिम, थोड़े शिया मुस्लिम, बचे हुए मोस्टली क्रिश्चियंस थे। लेकिन अभी का डाटा मैं नहीं बता सकता, क्योंकि वॉर के बाद मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई ऐसा ऑफिशियल सर्वे नहीं हुआ। मेरे ख्याल से काफी जो क्रिश्चियंस थे वो एज रेफ्यूजीज यहाँ से चले गए यूरोप की तरफ या टर्की या फिर दूसरे शहरों में। वैसे तो यहाँ पे बहुत अच्छे रिलेशंस थे मुस्लिम्स के और क्रिश्चियंस के, पर जब से सिविल वॉर स्टार्ट हुए तो जितनी भी माइनॉरिटीज थी, जैसे कि शिया मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस, ज्यूज, ड्रूज, ये सारी जो भी कुर्दिश पीपल, ये सारी माइनॉरिटीज ना रेजीम के अगेंस्ट होगी, मतलब करंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट होगी, तो उसके बाद बहुत टकरारें आ गई बीच में आपस में लोगों के। इसकी वजह से क्रिश्चियंस अब देश छोड़कर बाहर भागने लगे। ये यहाँ का पासपोर्ट ऑफिस था एलिपो का, अभी आप इसके हालात देख सकते हो। ये शेरेटन होटल है यहाँ पे, और ये अभी भी फंक्शनल है, शायद दोबारा बना लिया। वाज इट रिकंस्ट्रक्टेड, वाज इट नेवर डिस्ट्रॉयड? नो, इट्स न्यू। आई हैव रेड अबाउट दिस होटल। ये होटल है रीगा पैलेस, बहुत ही अच्छा और शानदार पॉपुलर होटल है यहाँ का। इधर रुकने वाले हम, मैंने पहले भी इसके बारे में पढ़ा है काफी, होटल के बारे में शानदार यार। आपने कॉन्ट्रास्ट देखा बाहर बिल्डिंग्स का और अंदर इस होटल का, बहुत ही आयरनिकल है। थैंक यू। अलीपो के सिटी सेंटर के बिल्कुल बीच में ये आके इनके कुछ बाजार से है। जो कुछ इन्होंने सहा है, इतना सब सहने के बाद भी इनकी ये नीयत नहीं है कि हम किसी से कुछ छीन ले, किसी से कुछ ले ले, अगले को कुछ ना कुछ देने की नियति रखते हैं। कल परसों एक दुकान पे एक बच्चे को हम गच्चक दे रहे थे, तो वो ले नहीं रहा था, बोलता है आपकी मैं कैसे ले लूं। ये जो आप मेरे पीछे होटल देख रहे हो अभी, ये फंक्शनल नहीं है, ये एक्चुअली सीरिया का फर्स्ट मॉडर्न होटल था। आपने सूक्स में देखा होगा, जो इनके बाजार में खान बोलते हैं जिन्हें, जिधर टेम्परेरी अकोमोडेशन होती थी ट्रेडर्स के लिए, लोगों के लिए, वो नहीं, मॉडर्न होटल ये फर्स्ट था सीरिया का, जो 1909 में बना था। और पूरे लेवेंटाइन रीजन की हम बात करें तो ये सेकंड नंबर पे है, पहला शायद 1890s कुछ में बना था लेबनान में, बालबेक में, जो मॉडर्न होटल था। अभी ये फंक्शनल नहीं है, बंद पड़ा है होटल। इसके अंदर एसी वगैरह लगे हुए, पर सबके जंग लग चुका है। इनके हालात देख के ऐसे तो नहीं लगता कि ये ब्लास्ट से या किसी चीज से अफेक्ट हुए थे, पर हाँ जरूर इस एरिया की हालात देखते हुए इन्हें बंद करना पड़ा होगा।